गरीब की जादुई सोने की ईंट देने वाली भट्टी। हरिया नाम का एक व्यक्ति बहुत गरीब था जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए भट्टी में काम करता था। उसके परिवार में उसकी पत्नी मधु, माँ सुरेखा, पिता महेश और 8 वर्षीय बेटी सुनैना थी। बेटी स्कूल जाती थी। एक दिन स्कूल से आकर अपना बस्ता रखकर वह हरिया से कहती है, पिताजी मुझे 1.5 साल हो गए इन जूतों को घिसते घिसते, देखिए कितना फट गया है। ये मेरे स्कूल की सहेलियाँ मेरा मजाक उड़ाती हैं। आप मुझे नया जूता कब दिलाएंगे? सुनैना बेटी तू परेशान मत हो, अगले माह मैं तुझे नए जूते जरूर दिला दूंगा। थोड़ा और सब्र कर, घर में तेरी दादी की दवाई और घर का राशन भी तो लाना है। अगर कुछ खाएंगे नहीं तो रहेंगे कैसे? हाँ जूते तू थोड़े समय और चला ले। ठीक है पिताजी। देखा हरिया जी, हमारी बेटी कितनी सयानी है, हमारी बात समझती है। तभी हरिया का पिता टूटी हुई छड़ी लाकर कहता है, अरे हरिया बेटा देख तो जरा मेरी ये छड़ी टूट गई, नई छड़ी ला दे बेटा। और बेटा मेरी दवाई भी, तेरी तनख्वाह तो आज आने वाली है। अजी आपको घर का राशन और इसकी स्कूल की फीस तो याद है ना, सरकारी में भी पढ़ाते हैं तो 100-200 तो जाते हैं। जानता हूँ अपनी सारी जिम्मेदारी, याद है मुझे। आप सबको बार बार बताने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला कर रहा हूँ जैसे तैसे। तनख्वाह आ जाएगी तो घर का सामान ही लाऊंगा सबसे पहले, जा रहा हूँ काम पर। मधु मुझे गुड़ और लस्सी दे रही हो तो दे दो। अजी लाई, 1 मिनट में। ये कहकर मधु उसके लिए गुड़ लस्सी लाती है, जिसे खा पीकर हरिया अपने काम पर चला जाता है और भट्टियों की ईंटों को उठा उठा कर एक जगह से दूसरी जगह रखता है। ऐसे ही 2-4 दिन बीत जाते हैं, उसे तनख्वाह मिलती है। उसका मालिक नारायण कहता है, ले हरिया तेरे 3,000 रुपए। मालिक ये तो बहुत कम है, मेरी 8,000 तनख्वाह के आधे भी नहीं है ये। मुझे अपने घर का खर्चा चलाना है, बच्चे के जूते लाने हैं, घर का राशन चाहिए। मैं भी जानता हूँ, मुझे ज्यादा सिखा मत, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। और भी मजदूरों को पैसे देने हैं और उनको आधे आधे दे रहा हूँ। तू अनोखा नहीं है जिसको मैं इतने कम पैसे दे रहा हूँ, 1 हफ्ते बाद बाकी के पैसे मिल जाएंगे। ठीक है मालिक, थोड़ा जल्दी देने की कोशिश करना। इन पैसों से घर का थोड़ा राशन ले आऊंगा और कुछ नहीं ले सकता मैं इसे, और मुझे इंतजार करना होगा मालिक के बाकी के पैसे देने का। घर जाकर हरिया मधु को घर का थोड़ा राशन दे देता है और अपने पिता को एक डंडी तोड़कर हाथ में पकड़ा देता है। पिताजी मुझे माफ करना, अभी तनख्वाह पूरी नहीं मिली है, इसलिए आप इसी से ही काम चला लीजिए। अरे कोई नहीं बेटा, गरीबी आई है, अब तो पता नहीं क्या क्या झेलना पड़ेगा। तू फिक्र मत कर, इससे भी सहारा पड़ जाएगा मुझे। पापा जी खाना खा लीजिए, फिर आपकी दवाई का समय हो जाएगा। थोड़े दिन की बात है, आप सब परेशान मत होइएगा। पिताजी मैंने आपसे कहा था मुझे जूता देना, तो लाए क्यों नहीं मेरे लिए? बेटा भी थोड़ा और इंतजार करो। आप हमेशा यही बोलते रहते हैं पिताजी, मैं स्कूल ही नहीं जाऊंगी कल से। अरे गुड़िया ऐसे रोते नहीं है। माँ रोने दीजिए उसे, अभी तो पता नहीं क्या क्या दिन देखने पड़ेंगे, उसे मजबूत होना होगा ऐसी स्थिति के लिए। 1 हफ्ते बाद हरिया अपने पैसे मांगता है, मालिक उसे फिर टाल देता है और कहता है, मुझे यहाँ से इसे निकालना ही होगा। हरिया जब बहुत सारे ईंट उठाकर ले जा रहा था तो नारायण उस जगह पर ग्रीस लगा देता है, जिस कारण वो गिर जाता है। उसके चोटें आती हैं और ईंटें भी टूट जाती हैं। ये देखकर नारायण कहता है, अरे कमबख्त तेरी हिम्मत कैसे हुई, सारी ईंटें बर्बाद कर दी, इतना नुकसान कर दिया, ठीक से चला नहीं जाता ना। अरे अरे राम कोई तो उठाओ, मालिक माफ कर दीजिए, पता नहीं कैसे पैर फिसल गया यहाँ पर। अब मैं तुझे पैसों में से कोई फूटी कौड़ी नहीं दूंगा, निकल जा यहाँ से। साहब ऐसा मत कीजिए, आप धोखा कर रहे हैं मेरे साथ। मैंने कहा जा यहाँ से, काम चोर कहीं का। नारायण उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे वहां से निकाल देता है। घर जाकर जब वो ये बात सबको बताता है तो वो सब बहुत परेशान होते हैं और हरिया के कमर में मधु हल्दी का लेप लगाती है। 4 दिन बाद वो ठीक होने के बाद काम ढूंढने निकलता है, मगर उसे किसी भी भट्टी में काम नहीं मिलता। घर की आर्थिक स्थिति डावाडोल हो जाती है और खाने की नौबत आ गई थी। तब परेशान होकर हरिया कहता है, हे भगवान गरीब के साथ आप ऐसा क्यों करते हैं, अब मैं क्या करूंगा, अपने परिवार का पेट कैसे पालूंगा, मुझे भट्टी के काम के अलावा कुछ आता भी नहीं है, मैं खुद भट्टी बनाऊंगा,
थोड़े पैसे हैं मेरे पास सामान लाने के लिए। ये लीजिए, मेरे पास भी कुछ पैसे हैं जो मैंने सिर्फ जरूरत के लिए रखे थे। इससे ज्यादा जरूरी समय और कुछ नहीं है। शुक्रिया मधु। हरिया जैसे तैसे अपना सामान लाकर खाली मैदान में, जो उसके घर से थोड़ी दूर थी, वहाँ खुद की भट्टी तैयार करता है कि अगले ही पल तूफान आने की वजह से उसकी भट्टी खराब हो जाती है। हे भगवान, तू कितना निर्दयी है, गरीब लोगों के लिए कुछ नहीं सोचता। जैसे तैसे मैंने अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहा, तो आपने उसको भी खराब कर दिया। क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो भगवान। बेबस हरिया अपने घर जाकर घर वालों को ये बात बताता है, जिससे वो और ज्यादा दुखी हो जाते हैं। जब हरिया सोता है तो सपने में गणेश जी आकर कहते हैं, पुत्र मैंने तुम्हारी बहुत परीक्षा ले ली, तुम्हारा मन बहुत चंचल है, अपने परिवार के लिए तुम बहुत चिंतित रहते हो। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हें एक ऐसी जादुई भट्टी दूंगा जिसमें से सोने की ईंटें निकलेंगी। उसी जगह जाओ जहां तुमने अपनी भट्टी बनाई थी। गणपत बप्पा, आपको कोटि कोटि प्रणाम। ये कहते ही गणेश जी अंतर्ध्यान हो जाते हैं। सुबह जब वो उठता है तो घबराया हुआ अपनी भट्टी के पास जाता है, जहां मधु भी उसके पीछे पीछे आ जाती है। अजी, आप यहां भागते भागते क्यों आए हो, क्या हुआ? अरे जरा सामने देखो, हमारी भट्टी, जरा इसे चालू करो। अरे ये कैसे हुआ, हमारी भट्टी तो तहस नहस हो गई थी। मधु तुम ईंटें पकाने के लिए सामान तो डालो इसमें। जैसे ही मधु उस भट्टी में ईंट पकाने के लिए सीमेंट डालती है, तो थोड़ी देर बाद सोने की ईंटें बनकर निकलती हैं। ये देख मधु हैरान रह जाती है। ये सब क्या है, मुझे आप कुछ बताएंगे? हमारी भट्टी तो खराब हो गई थी और ये सोने की ईंटें कैसे आ रही हैं? तभी हरिया उसे सपने वाली बात बता देता है, जिसके बाद मधु खुश हो जाती है और उसमें और सामान डालकर उस जादुई भट्टी से सोने की ईंटें निकाल कर ले जाता है, जिन्हें बेचकर वो अपनी बेटी के लिए 2-3 जोड़ी जूते और माता पिता के लिए दवाई, छड़ी, फल और मधु के लिए नई साड़ी खरीद कर उन सबको देता है। ये सब देखकर सब खुश हो जाते हैं। अरे बेटा, एकदम से इतना सब कैसे आया, कमाल हो गया। पिताजी, सब भगवान की रहमत है, वो हमारी परीक्षा ले रहे थे और उन्होंने ही हमें जादुई भट्टी की सोने की ईंटें दी। शुक्रिया पिताजी, आप बहुत अच्छे जूते लाए मेरे लिए, अब मेरा कोई मजाक नहीं उड़ाएगा। हाँ जी, साड़ी बहुत खूबसूरत है। अब हम सबको गरीबी में जिंदगी जीने की कोई आवश्यकता नहीं है, हम अपने नए बड़े से घर में चलेंगे। ये कहते ही हरिया जादुई भट्टी से सोने की ईंटों को लाकर उन्हें बेच देता है और एक आलीशान घर खरीदता है और अपना पुराना घर किसी गरीब बेसहारा को दे देता है, जिसके बाद वो बुढ़िया कहती है, बच्चे भगवान तेरा भला करे जो तूने मुझे ये आशियाना दिया। ये तो मेरा फर्ज था अम्मा, आप कब तक बाहर ठंड में यूं ही रहती, मुझे कहीं और भी जाना है। मधु चलो साथ में। पर अब कहां जाना है हमें? मेरी हालत जानती हो ना तुम, गरीबी में मैंने फुटपाथ पर छोटे छोटे बच्चों और गरीब बूढ़े बुजुर्ग लोगों को देखा है, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, पर उससे पहले हमें जादुई भट्टी पर जाना होगा। जी मैं सोच रही हूँ उनके खाने का भी बंदोबस्त कर दूँ। तभी सोना खत्म हो जाने पर हरिया मधु भट्टी में सीमेंट ईटा बनाने का सामान डालते हैं, जिसके बाद जादुई रोशनी से सोने की ईंटें निकल कर आती हैं, जिसे बेचकर वो बहुत सारे कंबल, चादर और खाने का सामान लाकर जगह जगह बैठे गरीब बेसहारा लोगों को बांट देते हैं और दुआ देते हुए कहते हैं, अरे भाई साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने हमें इतना सब कुछ दिया, वरना कोई किसी को आजकल भीख भी नहीं देता। अरे यार ऐसा मत बोलिए, भगवान की दुआ से अब मेरे पास है तो मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, हर हफ्ते आऊंगा अब मैं। ये लो बेटा खाना खा लो, और चाहिए हो तो बता देना। आंटी मेरे मम्मी पापा किसी ने खाना नहीं खाया, उनका खाना भी आप मुझे दे दो। ये लो। इस तरह दोनों पति पत्नी जरूरतमंद को खाना और कंबल बांट देते हैं। अगले हफ्ते हरिया अपने माता पिता और बेटी के हाथ से सबको सामान बांटता है। इस तरह जादुई भट्टी ना सिर्फ उसकी जिंदगी में अपितु बाकी लोगों की जिंदगी में भी लाभदायक साबित होती है। दुर्गा अपने दो बच्चों का, रानी राजू और बूढ़े सास ससुर सुधाकर और सीता के साथ एक फूस की गरीब झोपड़ी में दिन काट रही थी। परिवार के भरण पोषण का भार दुर्गा के कंधे पर सवार था, वो कभी खेतों में खटती तो कभी ईंट की भट्टी में काम करती। शाम ढल गई है, बस रमणीक भाई जी पैसे दे दे। अरे सभी का सभी लाइन में लग जाओ, आज की दिहाड़ी देने का समय हो गया। ये सुनकर सभी
मजदूर लाइन में लगकर बारी बारी से पैसे लेकर अपने घरों की ओर अग्रसर हो जाते हैं और दुर्गा की बारी आती है। ये ले दुर्गा, तेरी आज की दिहाड़ी। रमणीक भाई जी, ये तो सिर्फ 100 रुपए है और मजदूरों की दिहाड़ी तो प्रतिदिन 250 से 300 रुपए है। वाह जी वाह, पैसों का लेखा जोखा तो चट से कर डाला, फिर इतनी डील डॉल काम में तो नहीं दिखाती। दिन भर के बीच सिर्फ 50 ईंट बनाई और पकाई है तूने, हाँ तूने उस हिसाब से 100 रुपए ही बनते हैं तेरे। इसे ले और घर का रास्ता धर पकड़, और ज्यादा किलकिल की तो कोई जरूरत नहीं है कल से भट्टी पर आने की। ये सुनकर दुर्गा के कदम लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि ये भट्टी ही गरीब के घर परिवार की भूख मिटाने की एक आखिरी सहारा थी। वो चुपचाप पैसे लेकर घर के लिए निकल पड़ी, जहां उसके कदम बनिए की दुकान पर ठहर गए। बब्बन भाई, जरा जल्दी से 2 किलो आटा और पाव भर दाल तोल दो। अरे तुम फिर चली आई उधार राशन खाने? नहीं बब्बन भाई, मैं खाली हाथ नहीं आई, मेरे पास पैसे हैं, ये लो। बब्बन झट से पैसे पर लोमड़ी की तरह लपक पड़ता है। दुर्गा खड़ी होकर राशन तोलने का इंतजार करती है। कुछ देर बाद, बब्बन भाई तुमने राशन नहीं तोला। लगता है तुमने बोर्ड पर पढ़ा नहीं, आज नकद कल उधार। मगर मैंने तो तुम्हें अभी पैसे दिए थे। अरे वाह, तो पुराने बही खाते में काट लिए 100 का पत्ता और ले लो राशन, वरना जयराम जी की। उस गरीब बहू के लाख गिड़गिड़ाने के बावजूद भी कंजूस बनिए बब्बन ने अपने हाथ खड़े कर लिए। थक हार कर बहू चुच्चे हाथ घर लौट आई। घर के भीतर एक मिट्टी का चूल्हा था और कुछ फीके पुराने राशन के डिब्बे और पुले का बिछावन, जिस पर बूढ़ा ससुर सुधाकर पड़ा हुआ खांस रहा था। माँ, सर्दियाँ शुरू हो गई हैं, स्कूल के मास्टर जी ने कल से स्वेटर पहनकर आने को कहा है। क्या बात है बहू, तेरे माथे पर ये कैसी शिकन छाई है। दुर्गा डबडबाई आंखों से अपनी सास को सारा वाक्या कह सुनाती है और वो ढहक पड़ती है, जिसे जानकर सास अपनी बहू का हौसला अफजाई करते हुए कहती है, बहू चुप हो जा, डिब्बे में थोड़ा बहुत चावल है, मैं सभी के लिए गीले चावल बना देती हूँ। कुछ देर बाद सभी एक साथ मिलकर बांट कर गीले चावल खाकर सो जाते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं, जिसके साथ ठंडी हवाएं बर्फबारी में बदल जाती हैं। हाट बाजार में शॉल स्वेटर की खरीदारी के लिए खचाखच भीड़ उमड़ी हुई थी। माँ, आप हमारे लिए स्वेटर कब खरीदोगी? मास्टर जी रोज हमें कक्षा से बाहर खड़ा कर देते हैं, मैं और राजू ठंड में बहुत ठिठुरते हैं माँ। बस बच्चों, एक दो दिन और मैं जल्दी ही स्वेटर खरीद लाऊंगी। दुर्गा अपने दोनों बच्चों को दिलासा देकर स्कूल भेज देती है, मगर किसे खबर थी कि अगले 2 दिन के भीतर ही मुर्दों को झकझोर कर रख देने वाली ठंड पड़ने वाली थी। उस रात जब उस गरीब का परिवार सो रहा था, तभी घर के चारों ओर चढ़ी फूस की दीवार और छत ठंडी हवाओं से खिसकने लगी और हवाएं उनके शरीर से टकराने लगी, जिससे सभी के रोएं सिहर उठे। मगर ठंड के मारे राजू और पिंकी जोर जोर से कपकपाने लगे और उनके दांत बजने लगे। माँ, मुझे बहुत जोरों की ठंड लग रही है। माँ, मुझे भी कपकपी चढ़ रही है। ए भगवान, इस रात में सियस्ते अंधेरे में तो हम गरीबों पर ये ठंड की बिजुरी क्यों ढा रहा है? सीता, मेरा शरीर बिल्कुल ठंडा पड़ चुका है, लगता है ये जाड़ा मुझे ले डूबेगा। अरे बिरजू के बाबूजी, ऐसा ना कहो तुम। दुर्गा बिना देरी किए बाहर से लकड़ियां बीन बटोर कर आग जलाती है, जिससे उनके शरीर में गर्माहट लौट आती है और कुछ ही देर में सुबह हो जाती है। बहू, कल रात तो जैसे तैसे कट गई, मगर आज का क्या? माँ जी चिंता मत कीजिए, आज मैं सभी के लिए स्वेटर ले आऊंगी। मगर कैसे बहू, दिन भर की खटकनी के बाद तुझे जो 150 मिलते हैं वो तो पेट की आग बुझाने में ही खर्च हो जाते हैं, और फिर ये सस्ताई का जमाना थोड़े ही है, बाजार में महंगाई की मार है, कहाँ से लाएगी स्वेटर? दुर्गा बिना कोई जवाब दिए काम पर चली आती है। तभी उसे एक बंद शटर के बाहर जूट की बोरियों की ढेरी दिखाई देती है, जिसे देख कर उसकी आंखों में स्वेटर बनाने के लिए आस उजागर हो जाती है। मैं इस जूट की बोरियों से अपने गरीब परिवार के लिए गर्म स्वेटर सी सकती हूँ, इससे पहले कि कोई इसे उठा ले जाए मैं इसे ले लेती हूँ। दुर्गा ठंड में ठिठुरती हुई उन बोरियों को लेकर घर चली आती है और उसे काट छाट कर एक सुंदर सा स्वेटर सी देती है। उस बोरी के स्वेटर को देखकर राजू बहुत खुश होता है। अरे वाह, ये बोरी का स्वेटर कितना सुंदर है, ऐसा स्वेटर तो पूरे बाजार में खोजने से भी नहीं मिलेगा। अब जल्दी से मेरे लिए भी एक बोरी का स्वेटर सी दो, मुझे भी अनोखा स्वेटर पहनना है। हाँ रानी बिटिया, बस मुझे थोड़ी देर दे। फिर दुर्गा दूसरी जूट की बोरी से स्वेटर का आकार काटकर उसे बारीकी से सी देती है, जिसे देखकर रानी खुश होकर झट से वो स्वेटर पहन लेती है और उस बोरी की बढ़ चढ़ कर बड़ाई करती है।
माँ, ये बोरी का स्वेटर तो बहुत गर्माहट दे रहा है, देखो अब ठंड से हमारी कपकपी भी नहीं छूट रही। अपने बच्चों की आंखों में छिटकी बोरी के स्वेटर की खुशी देखकर वह बेबस मजबूर माँ का बिखरा मन एक बड़े बल से भर जाता है, जिसके बाद वह बूढ़े सास और ससुर के लिए भी जूट की बोरी का स्वेटर सीती है, जिसे पहनकर सुधाकर और सीता बोलते हैं, बहू मैंने तो आस ही खो दी थी कि इस बरस की सर्दी से बच सकूंगा, मगर ये बोरी का बना स्वेटर बर्फीली हवाओं से बचाव दे रहा है। अजी, हम जैसे गरीबों के लिए तो यही लाखों रुपए का स्वेटर है, क्योंकि इसके ओहार में सर्दी की टिटुरन मिट रही है, और क्या चाहिए। जहां एक ओर वह बोरी का स्वेटर उस गरीब परिवार का ठंड से बचाव कर रहा था, तो वहीं दूसरी ओर गरीब बहू का बनाया बोरी का स्वेटर लोगों के बीच बहुतेरी प्रसिद्धि बटोरता है। बहुत से लोग बोरी के स्वेटर बनाने के लिए उस गरीब परिवार की चौखट तक आ पहुंचे। अरे पारो दीदी, आप मेरे घर कोई काम था क्या? हाँ, ऐसा ही एक बोरी का स्वेटर सिलाने के लिए आई हूँ दुर्गा बहन। क्या गजब का बोरी का स्वेटर सिया है तूने, ऐसा ही दो बोरी का स्वेटर मेरा और मेरी बेटी के लिए सी, तो मैं तुम्हें पूरा पूरा मेहनताना दूंगी। दुर्गा ये मौका अपने हाथ से कैसे गवा सकती थी, क्योंकि एक अरसे बाद उसे गरीबी के गड्ढे से बाहर उभरने की उम्मीद दिखी थी। उसने झट से हामी भरी और पारो के लिए एक सुंदर सा बोरी का स्वेटर सी कर उसे दे दिया। बदले में उसे अच्छा मेहनताना मिला। उस दिन के बाद से उसे फिर कभी पीछे मुड़कर देखना ना पड़ा। वह दिन दूनी रात चौगनी की चढ़ाई चढ़ती गई और आखिर में वह गरीब के गढ़ को ढाने में सफल हो गई, जिसका श्रेय उस गरीब के हाथों के हुनर का है, जिससे उसने बोरी का स्वेटर सिला था।